सारे भाइयों ने राम राम। दोस्तों मैं प्रदीप संधू भाई, अब मैं हूँ गांव गोगड़िया जिला जींद के अंदर, और यहाँ पर भाई कल नाग पंचमी के ऊपर वार्षिक मेला लगेगा, नागदेव का मेला। और यहाँ पर भाई एक धारणा है लोगों की, ये पीछे आप लोग जो तालाब देख रहे हो, इसके अंदर स्नान करने से जो भी सांप का कटा है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, ऐसी लोगों की धारणा है। तो आइए इस तालाब को आप लोगों को मैं दिखाना चाहूँगा। देखिए चारों तरफ इसके बैरिकेटिंग की गई है, मतलब कि पत्थर की ये जालियाँ लगाई गई हैं, एक बढ़िया कारीगरी, अच्छी कारीगरी की हैं बिल्कुल। और जो मंदिर है देखिए, इसके तालाब के बीच में बनाया गया है, इसके अंदर स्नान करने से ऐसा लोगों का मानना है कि जो भी इसके अंदर स्नान करेगा, जिसके सांप के काटने के बाद उसके शरीर पे खुजली या फिर एक विकार पैदा हो जाता है, तो उसका बिल्कुल ठीक हो जाता है इस तालाब में स्नान करने से। देखो भाई ये इसके अंदर अच्छा पानी है, साफ पानी है। और जो मंदिर है वो आप लोगों को दिखाऊंगा बिल्कुल। देखो भाई एक बढ़िया मंदिर है, और देखो भाई ये मंदिर इस तालाब के बीच में बनाया गया है, और इसके अंदर देखेंगे भाई, ये देखो भाई इस मंदिर में शिवलिंग है और कुछ तीनों चारों तरफ मूर्तियां रखी गई हैं। देखो भाई ये बिल्कुल तालाब के बीच में है मंदिर, और इसके अंदर ऐसा लोगों का मानना है, और कल यहाँ पर वार्षिक मेला भी लगेगा, कि जो भी इसके अंदर स्नान करेगा, कोई खाज खुजली या फिर सांप के काटने के बाद कुछ विकार पैदा हो जाते हैं शरीर में, उनसे छुटकारा मिलता है, ऐसा लोगों का मानना है। और कल यहाँ पर नागपंचमी पर एक विशाल मेले का आयोजन होगा गाँव गोगड़िया जींद के अंदर। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।